नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, भरगमा अंतर्गत ही में हम हैं। बोले तो मानुल्ला पट्टी पंचायत है और वार्ड नंबर 11 रहड़िया यहाँ पर है और मौजा बगल में ही है, बोले तो बॉर्डर पे खड़े हैं। यहाँ पे बीते 4 साल से हम आ रहे हैं और यहाँ शिव मंदिर के उद्घाटन से लेकर कर आज तक जो आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, ये प्रोग्रेस हुई है और यहाँ की जनता बड़ा लगनशील है। इस जगह को शिव मंदिर के नाम से चर्चित किए हैं और शिव मंदिर यहाँ बन भी रही है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे पूजा अर्चना और भी भागवत कथा इत्यादि होते रहता है। रात में भी पूरा कार्यक्रम हुआ जिसमें सारा चीज का आयोजन किया गया। आइए यहाँ के जनता से जानते हैं कि इस बार कैसा प्रोग्राम रहा और कितने श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं। सबसे पहले तो इनसे जानेंगे हम, तो इधर आ जाओ बचुआ। क्या नाम हुआ? बुज्जा यादव। आपको तो हम 4 साल से जान रहे हैं, जब से मंदिर का नींव डला। अच्छा, जमींदाता आप ही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। इस बार कैसा पूजा अर्चना रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा, श्रद्धालुओं की भीड़? अच्छा रहा, बढ़िया बढ़िया रहा। बढ़िया रहा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो आगे कहाँ तक मंदिर ले जाने का आप कोशिश करेंगे? अब तो कोशिश में है जहाँ तक जा सके। त्रिकालदर्शी का मर्जी है, बढ़िया बात है। आओ आप बताइए। इधर तनी घसकिए, गमछवा लेके बैठल है। का नाम हुआ? मिथिलेश यादव। मिथिलेश जी, ये मंदिर के बारे में आपका हृदय से क्या निकलता है, कैसा प्रोग्रेस होना चाहिए? बढ़िया प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रोग्रेस में जा रहा है। जा रहा है, यानी आप लोग का सहयोग है। बढ़िया, धन्यवाद। आप तनी टोपिया उठाइए भाईजान। का नाम है? नंदन कुमार यादव। नंदन जी, ये बताइए इसमें कितना सहभागी आपका नौजुवक संघ कर रहा है? लगभग पूरा सब युवक मेरे साथ है। सारा युवक आपके साथ है? तो लगता है कि अगले साल हमको छत पूरा दिखाई देगा। दिखाई देगा। बढ़िया, धन्यवाद। आप बताइए, बहुत दिन से गायब थे, क्या परिचय है आपका? पप्पू यादव। पप्पू जी, आप तो पूर्व में जिला परिषद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं जी। आप ये बताइए, आप भी शिलान्यास अगर बोले तो कर्ता के रूप में आपको हमने देखा पहले भी, और आज इस हालत में मंदिर है, आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? बनेगा, सब युवा संगठन से ही बनेगा। युवा संगठन से ही बनेगा, तो क्या और लोगों को क्या कहना चाहते हैं, दान वगैरह के बारे में या सहभागी के बारे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, जागो युवा, अधुक भगाओ युवा, और एकदम भोले बाबा की जय बोल करके इसको पूरा करना है। करना है। बढ़िया बढ़िया। आप बताइए, नेताजी बहुत पीछे पीछे रहते हैं, आपके हिसाब से ये मंदिर का प्रोग्रेस कहाँ तक होना चाहिए? ये प्रोग्रेस तो हमारे समाज का युवा जो है जी, व्यक्तिगत का इसमें मतलब सहभागी होना चाहिए, योगदान है, योगदान है कि किसी तरह से इस बीच में रहड़िया और मौझा का बीच में बढ़वा का बॉर्डर है जी, जी। यहाँ मंदिर के लिए हमारे महिला बहुत आक्रोश था, यहाँ मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं चाहिए। है मंदिर चाहिए, तो हम लोग कोशिश किए पिछले साल से, अब कुछ तो आप बना करके कुछ निकाले हैं, अब अगले सीजन तक इसका पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। क्या परिचय है आपका? पृथ्वी ऋषिदेव जी। फिलहाल आप नेताजी हैं, समाज जी, सेवी हैं, बढ़िया बात है। आपका क्या परिचय है? नीलेश कुमार। नीलेश कुमार जी, जन अधिकार जिला महासचिव अररिया। बहुत बढ़िया, जन अधिकार पार्टी को तो सब जानता है, अब पप्पू जी मसीहा हैं ये भी सब जानता है। आप ये बताइए कि आपका जो इतना जिला में आपका जो नौजवान है, उस नौजवान को इस मंदिर के बारे में क्या ख्याल, यानी हृदय से क्या निकलता है? देखिए, जहाँ तक मैं इस मंदिर के जमींदाता को जी और यहाँ के युवाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो इस सुदूर देहात में इन लोगों ने एक पवित्र स्थान का जो निर्माण किया भगवान शिव का, आज इन मंदिर के निर्माण होने से यहाँ तक दिखा जा रहा है कि आज गरीब गुरबे लोग जो अपने बेटी का शादी करने के लिए यहाँ से दूर दराज जाया करते थे, जी जी, जी। आज ये चीज़ हमको यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है कि आज इस गांव के मौजहा
ये रहरिया, ये बरहुआ या खरसाही, जो कई पंचायत के सीमाओं को जोड़ता है जी जी जी, और वहाँ के सभी बच्चियाँ का जो बहुत व्यक्ति है जो आज यहाँ से रानीगंज जाया करते थे, यहाँ से मान लीजिए धीमा जाया करते थे, हाँ, लेकिन भगवान शिव के मंदिर को यहाँ के नौजवान ने जो स्थापित यहाँ किया है, ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और मैं तमाम युवा से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तन मन धन के साथ आप सारा सब कुछ दे करके इस मंदिर का निर्माण करवाए हैं, मैं यहाँ के जमींदाता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो यहाँ युवाओं के प्रोत्साहन के लिए आपने युवाओं को आगे बढ़ने के का जो मौका दिया है, इसके लिए आप तमाम धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों को भी जहाँ तक होगा हम लोग भी यहाँ मदद करके इस मंदिर को बहुत दूर तक ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे जी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बढ़िया आपका जवाब रहा, बहुत ही बढ़िया। और आप बताइए आपका क्या परिचय है? मेरा नाम राजेश कुमार है। बहुत गेरुआ एकदम पूरा गमछी लगेले हैं राजेश जी, बताइए आपको तो बहुत पहले से जानते हैं, आप ये बताइए इस बार का कैसा ये महोत्सव ये समारोह? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। भीड़ भाड़ था? बहुत भीड़ जी। धन्यवाद आपका। और आप तनी बताइए, बिल्कुल एकदम कोने में बैठे हैं, नौजवान है, देश का धरोहर है जी जी। पहले तो नाम बताइए। बम्बम यादव जी। बम्बम जी, ये बताइए कि अगले बार जब हम आए अगर जिंदगी रह गई तो भाई मंदिरवा का नक्शा कैसा होगा? नक्शा इसको अगले साल तक ढाल देंगे। ढाल दीजिएगा जी जी, पूरा एकदम एकदम जैसे मंदिर त्रिकाल का बनता है वैसे बनवा, वैसा बना दीजिएगा जी एकदम। एक बार जोर से आप लोग जागा जागा महादेव। रहरिया मानुल्ला पट्टी से MS परदेसी। दौलती बिसहरी शिव शक्ति नौजुवक संघ द्वारा हर साल कोई न कोई भक्ति कार्यक्रम करती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जैसा कि अभी पूरे बिहार बाबा भोले मय हो चुकी है, एक से चार तक सभी श्रद्धालु त्रिकालदर्शी के भक्ति में लीन रहेगा। इसी क्रम में आज हम आप सभी को मौजहा और मानुल्ला पट्टी के बॉर्डर नहर के पास शिव मंदिर के प्रांगण में लिए चलता हूँ, जहाँ हर वर्ष की भांति इस बार भी शिव चर्चा के साथ पूजा अर्चना किया गया और साथ में भक्ति कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया। इस मंदिर के कोर कमेटी में ये सारे लोग शामिल हुए, जिसमें कि जमींदाता बुचाई यादव, राधा देवी, बम यादव, विपिन यादव, भूषण यादव, विदुर यादव, सुमन यादव, संजय यादव, मिथिलेश यादव, अमन यादव, नंदन यादव, सिंटू यादव, आशीष यादव, बबलू यादव, कौशल यादव, राजेश यादव, मंटू यादव, रणधीर यादव, रजनीश कुमार, अजय कुमार, हरदेव यादव, सुधीर यादव, अर्जुन यादव, अनुपम कुमार, सचिन यादव, टुनटुन बाबा, अमित कुमार, राजेश यादव, खगेश यादव, किशोर ऋषि, सूर्यानंद यादव, नवीन यादव, मिथिलेश यादव, अर्जुन कुमार, वीरेंद्र यादव, पप्पू यादव पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी, मिथिलेश कुमार, असमंजय यादव, अवधेश वार्ड सदस्य, पवन यादव, जयप्रकाश यादव, हीरानंद यादव, रघुनंदन यादव मास्टर जी, लखन यादव टावरवाला, देव यादव, राजेश यादव, प्रशांत कुमार, रितेश कुमार, बबलू, राजेश कुमार रोलरवाला, अखिलेश यादव, मनोज यादव, मनोज शर्मा, कैलाश कुमार पांचू, पलटू भाई इत्यादि शामिल रहे। आपको बता दें कि ये जो भी यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे दोनों पंचायत का बॉर्डर है, एक तरफ अमानुल्ला पट्टी और दूसरे तरफ मौजहा, जबकि इस शिव मंदिर में कई विवाह शादी किए जा चुके हैं और यहाँ पे लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं और अपना मनोकामना पाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। क्या क्या कर रहे हैं? ये जो है भोला बाबा का चढ़ावा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो इसके पीछे में त्रिशूल का दाग दे करके छोड़ दिया जाता है जी, वही कर रहे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। यानी आप इसको दान कर रहे हैं जी? जी धन्यवाद। आइए, तनी एगो नौजवान है, बहुत एकदम खिलाड़ लग रहा है, देखते हैं इनसे कि क्या इनके जवाब हो सकता है इस मंदिर के बारे में। क्या नाम है बचवा? नवनीत कुमार। नवनीत जी, आप ये बताइए कि इस बार कितना नौजवान को इस मंदिर के लिए जोड़ेंगे आप और ये मंदिर को कैसे पूरा करेंगे आप सब? हम तो बहुत से नौजवान को जोड़ सकते हैं,
सकते हैं नहीं, जोड़ना पड़ेगा जब मंदिर को आगे बढ़ाना है। जी जी जरूर जोड़ेंगे। जोड़ेंगे ना जी। कहा नाम कहे आप? नवनीत कुमार जी। बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा है और देश का भविष्य है, इसी से देश आगे बढ़ेगी और खास करके पूजा अर्चना में लोगों का सहभागी जरूरी है।